सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार, आई वेलकम यू ऑल इन माई न्यू क्लासरूम एंड द लेसन वी विल स्टडी टुडे इज एज यू कैन सी एट माई बैक द एनमी बाय पर्ल एस बक। Friends, you will agree with me that there are moments in our life we have to make hard choices between the two options. कई बार हम धर्म संकट में फंस जाते हैं कि हम एक मानव का धर्म निभाएं या देशभक्त होने के नाते एक देशभक्ति का देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाएं। तो यहाँ पर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो लेसन है एनमी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो आज हम लेसन ले रहे हैं इसके अंदर भी एक डॉक्टर हैं जो कि डॉक्टर सदाव हॉकी हैं, वे भी इसी तरह के एक जो है डिलीमा में है। व्हाट ही शुड डू हिज ड्यूटी एज पैट्रियट, ही शुड हेल्प दैट इंजर्ड सोल्जर्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तो वो किसकी आवाज़ सुने, डॉक्टर होने के नाते पहले अपने प्रोफेशन की जिसमें ये कहते हैं कि आप घायल की पहले मदद करो, या फिर वो उस अमेरिकन सोल्जर को जैपनीज आर्मी को सौंप दे जहाँ पर उसका मरना निश्चित है। तो यहाँ पर ये डिलीमा है, यही सिचुएशन है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं द एनमी लेसन फॉर विस्टास में। मैं आपको पहले परिचित करवा देता हूँ इसके कैरेक्टर से। कहानी में आप देखने वाले हैं हम मिलेंगे डॉक्टर सदाव हॉकी से जो कि मेन कैरेक्टर हैं, और वे एक जैपनीज डॉक्टर हैं और जो कि अमेरिका में जिन्होंने एजुकेशन पाई है, ट्रेनिंग ली है, और उनके पिताजी ने बहुत जो है मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया है, और वे वापस आए हैं नॉट ओनली अमेरिका से ट्रेंड होके एक डॉक्टर बनके बल्कि एक साइंटिस्ट और एक अच्छा सर्जन बनकर वो आए हैं। और दूसरे कहानी में आप देखेंगे सदाओज फादर हैं सदाओ के, और जिन्होंने चीफ कंसर्न जिनका लाइफ में रहा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, तो उसकी एजुकेशन के लिए वो इतना सेक्रीफाइस करते हैं जैसा कि आपके हमारे पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हमारे एजुकेशन के लिए, सेम इज़ विद दिस फादर। और ये फादर सन जो डुओ है एक दूसरे के प्रति दोनों कमिटेड हैं। सदाओ जो हैं एक ओबीडियंट सन हैं और फादर भी जो हैं उनके कमिटेड हैं उनकी एजुकेशन के प्रति, और सदाओ के जो फादर हैं वो पैट्रियोटिक हैं, सही सेंस में जापान से हैं वो, तो देशभक्त हैं वो। आगे कैसे हैं वो आपको बताएंगे। और तीसरे जो करेक्टर आती हैं वो हैं हाना। हाना जो हैं वो वाइफ हैं डॉक्टर सदाओ की, जिनसे वो मिलते हैं पहली बार अमेरिका में ही जब 22 इयर्स की एज में सदाओ के फादर सदाओ को अमेरिका भेजते हैं, तो वहाँ पर इनकी पहली मुलाकात हाना से होती है। लेकिन लव में पढ़ने से पहले ही वॉन्टेड टू कन्फर्म इट वेदर हाना इज जैपनीज और नॉट, तो आफ्टर ही इज़ कन्फर्म दैट हाना इज जैपनीज ओनली देन सदाओ सेज येस, क्योंकि ये उसके फादर की जो विल थी, वो चाहते थे, एक्सपेक्टेशन थी कि बेटा जो रेस का आपने ध्यान रखना है लड़की जापानी होनी चाहिए, तो ऐसा करके वो देखते हैं। उसके बाद एक करेक्टर हैं इसमें टॉम। टॉम वो सोल्जर है जिन्हें जो हैं वेव्स जो हैं वॉश अशोर करती हैं, किनारे पर फेंक देती हैं, जिसके सामने डॉक्टर सदाओ का घर है, बालकनी में से वो उसे देखते हैं कि वो बेहोश पड़ा है। तो वो टॉम है, अमेरिकन सोल्जर हैं जो कि US नेवी से हैं। इन चार करेक्टर के अलावा एक ओल्ड जनरल भी हैं जो बीमार हैं और जिन्हें एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, और क्योंकि ऑपरेशन में डॉक्टर सदाओ जो हैं ट्रेंड हैं तो सदाओ पर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं जनरल, इसलिए सदाओ को ट्रेंड होते हुए भी सर्जन होते हुए भी जो है ट्रूप्स के पास जो है फील्ड में या फॉरन में नहीं भेजा जाता, बल्कि इस ये जनरल अपना इन्फ्लुएंस का यूज़ करता है और उसको अपने पास ही रखता है कि तू पहले मेरी कर। तो यहाँ पर उसकी डिसलॉयल्टी भी जो है बताई है कहानी में कि वो जो अपना ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहता है
और अनफेथफुल है वो देश के प्रति, तो यहाँ पर ये भी दिखाया है। युमी एक करेक्टर है, युमी जो है वो हाना के यहाँ मेड सर्वेंट है, तो युमी का भी एक करेक्टर आता है कि जब वो कहती है कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक आपने एक अमेरिकन सोल्जर को अपने यहाँ पनाह दी है, आप अरेस्ट कर किए जा सकते हो, हालांकि वो मना भी कर देती है कि मैं इसकी देख रेख नहीं करूँगी। और गार्डनर और कुक जो हैं तीनों इससे नाराज़ होते हैं और वो छोड़कर भी चले जाते हैं उन्हें, हालांकि बाद में वो एंड में वापस भी आ जाते हैं। तो ये एट करेक्टर्स जो है इसमें मेन रहने वाले हैं। चलिए हम आपको पहले समरी बता देते हैं। व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी इज अ सोल्जर हु इज़ फ्रॉम US नेवी इज़ वॉश्ड अशोर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर सदाउज हाउस, उसके घर के सामने लहरें जो हैं उसको बहाकर लेकर आती हैं। वो जो है एक एस्केप्ड है और हाना और डॉक्टर सदाउ उसे देखते हैं तो वे बड़े हैरान होते हैं। उसके पास जाने पर उनको पता लगता है उसकी कैप से कि ये तो एक US नेवी का जो है सोल्जर है और इसकी बैक में जो है गोली लगती है। वहाँ पर वो जो है एक तरह से डॉक्टर सदाओ फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए डिलेमा वेदर ही शुड हैंड इट ओवर दिस अमेरिकन सोल्जर टू जैपनीज आर्मी और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही शुड ऑपरेट हिम फर्स्ट और बुलेट उसकी निकाले उसका इलाज करे। तो उसकी हालांकि हाना डरी हुई है, वो कहती है कि हमें इसे अथॉरिटीज़ को सौंप देना चाहिए और दूसरी ऑप्शन भी वो रखते हैं कि हमें इसे समुंदर में ही वापस फेंक देना चाहिए। तो बहुत विचार करने के बाद सदाओ जो है एक डॉक्टर की जो कॉल को वो सुनते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की हम बात करें तो ये जो पर्ल एस बक हैं ये जो राइटर रही हैं इस पार्ट की इस लेसन की, वे भी जो है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो रखने वाली हैं, वे कहती हैं कि वर्ल्ड की जितनी समस्याएं हैं उन सब का जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उसकी सॉल्व करने में हमें रखनी चाहिए। और यही जो है उनका 100 से ऊपर बुक्स जो कि पर्ल एस बक ने लिखी हैं उनका विषय भी रहा है। शी हैज़ रोट ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स, सिविल राइट्स पर उन्होंने लिखा, विमेन राइट्स पर उन्होंने लिखा, अडॉप्शन पर उन्होंने लिखा, इमिग्रेशन पर उन्होंने लिखा और चाइना में पेजेंट्स की जो कंडीशन थी उन पर लिखा। तो उनका और फर्स्ट फर्स्ट जो था नोवेल वो जो लेकर आई अपना 1930 में ईस्ट विंड एंड वेस्ट विंड, और उसके बाद 1931 में जो रहा उनका दी गुड अर्थ बेस्ट सेलर रहा वो 1931 और 32 में अमेरिका में, जिसका कि उन्हें जो है इसके कारण 1932 में बक को जो है पुल पुलित्ज़र अवार्ड मिला। और फिर उन्होंने जो लिखे आगे नोवेल 1938 में जो है वो अमेरिका की पहली महिला भी बनी जिन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर से भी जो है नवाजा गया। एंड पर्ल एस बक वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट राइटर एंड टीचर, शी वॉज ए डॉटर ऑफ मिशनरीज और उनका जन्म जून 6, 1892 हिल्सबोरो US में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है मार्च 6, 1973 को वर्मंट US में हुई थी। एंड फॉर हर रिच एंड एपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीजेंस लाइफ इन चाइना, उन्हें जो है 1938 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर से भी जो है नवाजा गया। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि उन्हें वे जो थी बायोग्राफी लिखने में जो है परफेक्ट थी, बायोग्राफिकल मास्टरपीस भी जो है उनके बहुत पसंद किए जाते थे। ओवर मोर देन 100 बुक्स जो है उन्होंने लिखी हैं ऑन डाइवर्स टॉपिक। डॉक्टर जो है अपनी कॉल को सुनता है, ह्यूमैनिटेरियन हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इसे अपने अंदर लेकर जाएगा घर में और इसको वो ऑपरेट करेगा और वो हाना को हेल्प करने को बोलता है। हाना भी और डॉक्टर सदाओ उसे अपने उसने रूम में ले जाते हैं जो उसके फादर का कमरा होता है क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे हैं, और वो उसको वहाँ लेटाते हैं मैट के ऊपर। और वो जो है यूमी को हाना को कहता है कि यूमी को बोले कि वो हमारी हेल्प करे, तो वो आता है, यूमी आती है तो वो देखती है कि एक अमेरिकन सोल्जर को जो है आप हेल्प कर रहे हैं तो वो रिफ्यूज़ल कर देती है। वो कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर अथॉरिटीज़ को पता लगेगा तो वे हमें अरेस्ट कर लेंगे, तो वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो हाना को ही जो है उसकी ड्रेसिंग जो है सोल्जर को करनी पड़ती है। हाना जो है बड़ी मुश्किल से वो ऐसा करती है डॉक्टर सदाओ के कहने पर, उसके वो
सारा उसके साफ करती है, ड्रेसिंग करती है और फाइनली जो है वे उसको ऑपरेट कर देते हैं और धीरे धीरे जो है उसकी कंडीशन जो है ठीक हो जाती है और 2-3 दिन में ही वो बोलने लगता है और चलने फिरने भी लगता है। अब डॉक्टर सदाओ को लगता है कि वो ऐसा क्यों करता चला जा रहा है, तो यहाँ पर वो पूरे ही नोवेल पूरी कहानी में जो है वो एक डिलेमा में ही दिखाया गया है। हालांकि हर बार जो है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो उसकी कॉल आती है डॉक्टर की, जो वो शपथ लेते हैं कि हमें पहले इंसान को बचाना है उसके बाद हमने देखना है कि उसका क्या करना है, तो यहाँ भी वो बार बार ये क्वेश्चन आता है तो वो उसी की जो है जीत होती है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की। हालांकि वो एक देशभक्त भी है और अपने पापा की तरह वो भी जो है एक पैट्रियोटिक है, लेकिन यहाँ पर जब बात आ रही है डिलेमा में है वो, तो हर बार वो ह्यूमन अप्रोच को जो है प्रायोरिटी देता है और उसका इलाज करता है। अब वो जो है US नेवी का जो सोल्जर है वो अब ठीक है और इस दौरान जो है एक ओल्ड जनरल जो है जो कि बीमार चल रहे हैं, तो डॉक्टर सदाव जो हैं उस जनरल को ये सारी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे आई हैव एन इंजर्ड सोल्जर इन माई हाउस, तो यू टेल मी व्हाट टू डू नाउ, आई हैव ऑपरेटेड हिम, ही इज़ गेटिंग वेल। तो जनरल बोलता है कि हमें जो है उसको अथॉरिटीज़ को सौंप देना चाहिए या फिर उसे मार देना चाहिए, तो वो दोनों डिस्कस करते हैं। तो जनरल इसकी जिम्मेवारी लेता है कि ही विल सेंड टू असैसिंस, हिज प्राइवेट असैसिंस, एंड दे विल मर्डर टॉम को जो है मार देते हैं। आपने जो है मानव इंसानियत के नाते उसकी जान बचा ली है, लेकिन वो एक दुश्मन देश का सैनिक है और ऑल अमेरिकन्स आर आवर एनिमी। डॉक्टर सदाओ भी उसकी हाँ में हाँ भरते हैं कि यस ऑल अमेरिकन्स आर आवर एनिमी, तो हम उसे मार देंगे, ठीक है आप असैसिन भेज देना। तो डॉक्टर सदाओ डिसाइड करते हैं कि वो हाना को इस बारे में नहीं बताएंगे कि 2 असैसिन्स हमारे घर आएंगे जो कि टॉम को उस अमेरिकन सोल्जर को मारेंगे। तो वो वेट करता है रात भर, सुबह आना होता है उन्हें, तो वो सो भी नहीं पाता है ठीक से, लेकिन वो जो असैसिन्स हैं वे नहीं आते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे ऑल्सो ही एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोज़ टू द रूम एंड सी वेदर असैसिन्स हैज़ डन देयर जॉब और नॉट, तो ही फाइंड्स दैट सोल्जर लाइंग ऑन द बेड और वो भी जो है जिंदा हैं, तो असैसिन्स नहीं आए हैं। वो अगले दिन फिर जो है डॉक्टर सदाओ वेट करते हैं कि असैसिन्स शुड कम एंड डू देयर वर्क असाइंड बाय जनरल, बट वो फिर से देखता है अगले सुबह जाकर भी तो वो तब भी नहीं आए हैं। इस दौरान जो है उसका माइंड चेंज होता है कि अब वो जनरल को दोबारा नहीं कहेगा कि असैसिन्स आ नहीं रहे हैं या इसका क्या किया जाए। ही डिसाइड्स ऑन हिज ओन दैट ही शुड अरेंज फॉर टॉम टू एस्केप। वो कहता है कि मैं ऐसे प्रबंध कर देता हूँ कि ये यहाँ से बचकर निकल भागे, तो वो उसको जो है एक अपनी बोट देता है और उसको शोर के किनारे जो है छोड़ देता है। उसके साथ फूड भी है और उसका जो है बिस्तर भी है, बेड भी देता है उसे और एक क्विल्ट भी देता है कि तू जो है ये बोट ले। एक उसको वो टॉर्च भी देता है, अपनी फ्लैश लाइट भी देता है कि अगर 2-4 दिन तक भी कोरियन बोट जब तक आपको पिक ना कर ले और अगर आपका खाना ख़त्म हो जाए तो 2 बार जो है सनसेट से पहले आप मुझे इस फ्लैश लाइट से सिग्नल करना, मैं आपको और खाना भेज दूंगा। फिर वो देखता है अगले दिन कि वहाँ पर कोई बोट नहीं है, कोई सिग्नल भी नहीं है, तो उसे रिलीफ मिलता है कि जो अमेरिकन सोल्जर है वो जा चुका है, कोरियन बोट उसे ले गई होगी। तो वो हालांकि रिलीफ महसूस करता है, लेकिन लेसन के आखिरी लाइन में स्ट्रेंज आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, अंत में भी जो है लाइन देखिए आप, राइटर जो है बक जो है अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है वो मैसेज स्टोरी भी उन्होंने ऐसा ही लिया कि जो है अंत में भी एक प्रश्न छोड़ा कि मैं उसको क्यों नहीं मार सका। तो ये जो राइटर होता है, जो उनकी व्यू लाइन है, स्टोरी भी उनकी बिल्कुल वैसी ही और करेक्टर से भी जो है मेन करेक्टर से बिल्कुल वैसा ही व्यवहार वो करवा रही हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जो है वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही हैं सिविल राइट्स की या वीमेन राइट्स की। तो यहाँ भी जो है उन्होंने कहानी में भी यही डाला है कि वर्ल्ड की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पर्ल हार्बर हो रहा है और पर्ल हार्बर के रिवेंज में अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ये जो ह्यूमंस की ही क्रिएट की हुई हैं और इनके समाधान में पर्ल एस बक का ये सही कहना है कि हमें इनकी समाधान में भी जो है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखनी चाहिए, टफ स्टांस से कुछ नहीं होने वाला है।
So this was the story, and we will go now line to line also, and we will be doing important questions in my next videos. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर लाइक कर लें और मुझे कमेंट भी करें कि और मैं कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ. अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी मत भूलें. एंड लास्टली, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज एवरी वीक आई कम विद सच वीडियोज़. आप इतने सारे वीडियोज़ पहले भी देख चुके हैं. यदि इन एनी पर्टिकुलर लेसन ऑफ योर फ्लेमिंगो और विस्टास और एनी 9th, 10th और 12th क्लासेज, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ग्रामर टॉपिक ऑल्सो, आई कैन कम with prepared video on those topics also. इसके लिए आपको comment section में जाकर मुझे बताना पड़ेगा. हम मिलते हैं, आप enjoy कीजिए the enemy को. हम मिलते हैं next week, line to line जो है मैं इसकी detail full explanation लेकर आने वाला हूँ. Till then, bye bye, thank you.